Hi guys, in this video I'm going to talk about a very important topic for students, which is the topic of distraction or demotivation by friends or relatives, है ना? तो ये मुझे कई बच्चे बताते हैं और ये सबकी लाइफ में होता भी है, मेरी लाइफ में भी हुआ था ये कि आपके कोई फ्रेंड है या आपके कोई रिलेटिव है, आपके नंबर अगर अच्छे आए, ज़्यादा आए या जैसे भी है, कुछ ना कुछ टिप्पणी वो करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बात कहेंगे जिससे कि आप मोटिवेट की जगह डीमोटिवेट हो जाओ, आप अपने गोल से भटक जाओ। अगर आप अच्छा करेंगे तो उसको तुक्का बोल देंगे या उसका कुछ ना कुछ ऐसा कर लेंगे कि अरे मेरे बच्चे ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया या मैं इस बंदे को जानता हूँ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, और अगर कम लाओगे तो वापस से उड़ाना चालू, है ना? मेरे साथ भी ये हो चुका है। तीन मैं अपनी कहानियाँ सुनाऊंगा अपनी लाइफ की जब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ और मैंने उनसे कैसे डील किया, ये भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आप उससे कुछ सीख सको। एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये रहेगी गाइस कि जेई 2021 के जो हमारे क्रैश कोर्सेज है उन पे 50% ऑफ मिल रहा है एज अ होली डिस्काउंट। 31 मार्च तक ये डिस्काउंट रहेगा। तो आप में से किसी बच्चे को अगर जेई 2021 का अपना स्कोर बूस्ट करना है आगे के अटेम्प्ट्स का, तो आप डेफिनेटली जाकर डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। भविष्य में कोई बच्चा देख रहा हो उसके लिए भी हम कई सारे नए कोर्सेज लेके आते रहते हैं, तो एक बार जाके जरूर देखिएगा, मोर अबाउट इट इन द एंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करेंगे मेरे बचपन से, जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं लेट से 6th, 7th, 8th class में था, है ना? तो मुझे याद है कि जब मैं इतना इस एज में था ना, तो मैं अपने स्कूल में रहता था और मेरा क्या काफ़ी नेचर ऐसा था कि मैं चुपचाप रहता था, अपनी पढ़ाई पे फोकस करता था और ज़्यादा कुछ इधर उधर का नहीं, राइट? और अगर इस तरह का कोई बच्चा क्लास में होता है तो आप सभी को पता है उसके खिलाफ थोड़ी टारगेटिंग होती है, बुलीज की या जो भी इस तरह के बच्चे होते हैं जो बच्चों को तंग करते हैं उनकी काफ़ी बड़ा टारगेट रहता है। आई एम श्योर आप में से कई लोग भी उसी तरह के बच्चे हो गए, है ना, जिनको लोग टारगेट करते हैं। तो मुझे याद है कि मैं जब स्पोर्ट्स रेस वगैरह में दौड़ता था तो मुझे कोई नीचे गिरा देता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी, मतलब कोई टांग लगा दी, मैं दौड़ रहा हूँ फुल स्पीड पे रेस के अंदर, किसी ने टांग लगा दी और मैं नीचे गिर गया, मुझे काफ़ी बड़ी चोट लग गई, है ना? इसके अलावा जब मैं 8th class में था, मुझे याद है कि मेरे जितने भी पेन थे उन सभी के किसी बच्चे ने उनकी निब्स तोड़ दी थी सबकी, है ना, फाउंटेन पेन जितने भी थे मैं 4-5 लेके जाता था सबकी। तो इस तरह के 4-5 मेरे साथ हुए थे इंसिडेंट जब मैं बहुत छोटा था, लेकिन तब मैंने यार उन सबको जानने दिया कि यार ठीक है चलो हो रहा होगा, है ना, मतलब मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं क्योंकि मैं टीचर के पास भी जाता था तो टीचर्स भी आपको पता है कि यार ज़्यादा कोई हेल्प नहीं करते इन मामलों में, कह देते कि ठीक है भाई हुआ होगा, राइट? फिर मैं आया क्लास 11th 12th जेई प्रिपरेशन वगैरह में। तो जेई प्रिपरेशन जब आप कर रहे होते हो तो आपकी कोचिंग में बहुत तरह के बच्चे आते हैं और मैं अपनी कोचिंग में मेरा सेंटर था उदयपुर सेंटर, उसमें मैं वन ऑफ द टॉपर्स में था, है ना? तो तब मेरे कभी भी सेकंड रैंक थर्ड रैंक कभी भी आ जाएगी ना तो ऐसा बोलेंगे कि अरे देखो तुम तो टॉपर थे, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया ऐसा। और कभी फर्स्ट रैंक आ जाएगी तो बोलेंगे कि अरे इस बार पेपर आसान था, तुक्का था, ये था वो था। तो तब भी मैं यार इतना कुछ मैंने खास किया नहीं उसके बारे में, मैं चुपचाप रहता था क्योंकि मेरा नेचर ही थोड़ा साइलेंट टाइप का था और मैं आगे बढ़ता गया, राइट? फिर जब मैं कॉलेज में आया मैंने सोचा यार कि अब तो IIT के अंदर तो बहुत ही अच्छे तरह के लोग होते होंगे, यहाँ तो सब इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं जेई एडवांस वाले, राइट? तो मैंने सोचा कि यार शायद अब ये चीज़ क्योर हो जाए, शायद अब मेरे साथ ये ना हो। लेकिन IIT के अंदर ये चीज़ 10 गुना ज़्यादा एम्पलीफाई होगी, आपको मैं बताता हूँ क्यों। IIT कॉलेज जो है वो एक इस तरह की जगह है जहाँ पे बच्चे जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेटिव और जेलस नेचर के होते हैं। या आप किसी भी IITian को पूछना वो आपको बताएगा कि भाई ऐसा है, वहाँ पे हर कोई एक दूसरे को आगे पीछे करने में लगा हुआ है कि भाई कैसे मैं इस बंदे को नीचे कर दूँ, कोई आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा, सब नीचे लाने की आपको कोशिश करेंगे। और मैं वहाँ पे जब जा रहा था तो मैं अपने ईयर का टॉपर भी था जेई का, राइट? तो मेरी तरफ सबकी नज़र थी कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है। एक एक जो मैं करता था उसको उस पर कुछ ना कुछ ओपिनियन डाल दी जाती थी। मैं जब कोरा पे लिखता था तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स सो कॉल्ड फ्रेंड्स जो थे वो ऐसा बोलते थे कि अरे ये क्या कोरा पे लिख रहे हो, क्या है टाइम पास ये, मतलब इस तरह से मजाक वगैरह कुछ। वापस से मैं YouTube पे वीडियोस बना रहा था तब भी मुझे ऐसा लोग बोलते थे कि अरे क्या YouTube पे वीडियोस बना रहे हो, मेरे को वीडियो बनाने नहीं देते थे कुछ लोग, तो वीडियो बनाना जबरदस्ती उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड नॉइज लाएंगे फालतू की, ठीक है? इस तरह से कुछ ना कुछ करके उसको मतलब कुल मिला के नहीं कर पाया बंदा काम, है ना? और जब मैंने अकेडमी स्पॉन्स किया जो आप मैं तब ब्लॉग वगैरह डाला करता था अकेडमी पे, तब कोर्सेज नहीं थे, तो तब भी लोगों ने इस तरह से उड़ाया कि यार ये क्या है, ये अकेडमी क्या होता है, क्या नाम है ये, मतलब क्या कुछ भी है इस तरह का, समझ रहे हो? और ये इस पर काफ़ी ज़्यादा मीम्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई थी, मतलब आप अगर आज भी जाके अगर ढूंढोगे ना IIT का मीम पेज वगैरह, मुझे याद नहीं रहा कौन सा है, मैं फेसबुक पे हूँ नहीं एक्टिव, तो आपको उसमें दिख जाएगा वो चीज़। और ऐसा नहीं था किसी एक बच्चे ने किया, ये पूरी IIT और मेरा बैच मिलके करते थे, क्योंकि मेरे खिलाफ कुछ भी हल्का सा आ जाता था लोग उस पर जम के कूद पड़ते थे। इवन इस तरह का भी एक र्यूमर फैलाया गया कि मैं अपनी क्लासेज में फेल होता हूँ, मैं IIT के अंदर बहुत ही लो CGPA लाता हूँ, मैं IIT के अंदर कोर्सेज में फेल्ड हूँ, इस तरह की बातें भी फैलाई गई सोशल मीडिया पे भी और IIT के अंदर भी, जबकि सारी बातें फेक है, जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि अभी मैंने 3.5 साल के अंदर अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, ठीक है?
जिसका इतना कम CGPA इतना कम वो सब होता है ना, फेल हो रहा होता है बंदा, उसको नहीं अलाउ होता है ये सब। तो मैंने क्लियरली बता दिया यार कि मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, जितना मुझे चाहिए था उससे मैंने बेटर परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी इस तरह की एक नेगेटिव आगे बढ़ाई गई और ये बहुत तेज़ी से फैलाया जाता है। इवन आज भी अगर आप जाएंगे IIT के अंदर, आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो पर्सनली मुझे टारगेट करके इस तरह की चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो IIT के अंदर भी ये चीज़ नहीं रुकी है ना, लेकिन वहाँ पर भी मैं चुप ही रहा था, ठीक है। मैंने किसी को ऐसे बोला नहीं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा किया था ऐसा, लेकिन एक समय बाद मुझे मेरे एक मेंटर ने बोला कि भाई इसके ऊपर रिएक्शन मत दो, तो मैं एकदम चुप रहा, मैं अपना काम करता रहा, मैं अपनी वीडियोस बनाता रहा, मैं अकेडमिक्स पे काम करता रहा, मैं अपनी पढ़ाई करता रहा, ठीक है। अब हम आते हैं आज की तारीख पे, ठीक है। आज की तारीख पे आज हम आते हैं, आज मार्च है 2021 का। आज मेरे स्कूल के जो भी बच्चे मेरे खिलाफ कुछ भी करते थे ना, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जीरो आइडेंटिटी, ठीक है। ना तो उनका कोई, कभी मैंने सुना भी नहीं क्या है, ठीक है। आज JEE के अंदर जो बच्चे मेरे उड़ाते थे ना, क्या JEE 11 12 की पीरियड में, उनमें भी अभी सभी लोग ऑलमोस्ट किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं यार जिनका कोई नाम पता नहीं है, कोई प्लेसमेंट वगैरह कुछ नहीं हुई है, मतलब एकदम गुमनाम टाइप की चीज़ है, ठीक है। और इवन IIT के अंदर अपन आते हैं, IIT के अंदर आज अकेडमिक्स इतना अच्छा कर रहा है कि मैं अगर चाहता मैं वहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए जा सकता था, प्लेसमेंट्स लेने के लिए, ठीक है। इस बार कोरोना वायरस की वजह से कई लोगों की प्लेसमेंट नहीं लगी है, तो जो बच्चे मेरी कंपनी के उड़ा रहे थे आज वो खुद लोग की जॉब तक नहीं लगी है, कई सारे बच्चों को मैंने देखा। और इवन मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी खुद की अभी तक जॉब नहीं लगी और वो अभी तक इसी चीज़ के पीछे बैठे हुए हैं, ये चीज़ प्रूव करने के लिए कि यार ये क्या है, कल्पित क्या कर रहा है, कुछ नहीं है इस तरह के, मतलब जिनका खुद का कुछ हुआ नहीं है वो लोग दूसरे के बारे में कमेंट कर रहे हैं। तो आप इस सबसे पता है क्या सीखना चाहते हो? पहली बात, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं प्रूव कर दूं कि भाई मैं किसी से ऊपर हूं नीचे हूं, ये वो नहीं, मेरा देखो वो खेल है नहीं, सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने गोल है, वैसा कुछ मैं कह नहीं रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, दो तीन बातें आप ऑब्जर्व करो कि जब भी आप आगे बढ़ रहे होते हो ना, तभी आपको कोई नीचे पुल डाउन करने की कोशिश करता है। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो, अगर आप कुछ कर नहीं रहे अपनी लाइफ में, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। जैसे मुझे बचपन में क्यों लोग इस तरह से करते थे, या इवन 11th 12th में, क्योंकि मैं अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। अगर मेरी 50वीं 60वीं रैंक होती मेरी क्लास में, तो कौन पूछते हैं उस बंदे को, कोई भी नहीं, ठीक है। या IIT के अंदर भी मेरे खिलाफ इतना रिएक्शन क्यों होता था, क्योंकि मैं वहाँ पे ऐसा टॉपर आया था, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा था, इसलिए इस तरह की चीज़ें की जा रही थी। तो आपको ये बात समझनी होगी कि कभी भी कोई पर्सन, अगर आपको या कोई ग्रुप या आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स आपको कुछ बोल रहे हैं, वो आपको केवल तभी कुछ बोल रहे होंगे जब उनको आपसे कोई खतरा लगता है कि कहीं ये बच्चा मेरे बच्चे से ज़्यादा नंबर तो नहीं ले आएगा, क्या ये जो मेरा फ्रेंड है ये मुझसे आगे तो नहीं बढ़ जाएगा, है ना, इसलिए बोलते हैं वो। कोई भी ऐसा थोड़ी करता है कि भाई कोई नीचे वाला बंदा उसको पकड़ के बोल रहे हो, कोई आप जैसे सड़क पर चल रहे हो, कोई चाय वाला मिल गया उसको थोड़ी आप क्रिटिसाइज करने लग जाओ कि अरे भाई क्या कर रहा है तो अपनी लाइफ में, नहीं, नोबडी डज दैट। लोग किसको क्रिटिसाइज करते हैं, जो सबसे बड़ा पॉलिटिशियन है, जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है उसकी करते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी कोई उड़ा रहा है, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड नेचर, इट्स अ गुड साइन कि आप अपनी लाइफ में बेटर कर रहे हो। और इससे डील कैसे करना है वो भी अगर आपने नोट किया होगा, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है, वो है कि आपको रिएक्ट नहीं करना है। ये जो भी लोग हैं ना जो आपके खिलाफ ऐसा कुछ कर रहे हैं, वो सारे लोग आपको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप उनको अपनी तरफ से अटेंशन देने लग जाओगे तो आपने वहीं पर अपना काम फिनिश कर दिया है, ठीक है। तो आपका रिएक्शन होना चाहिए कि आप स्माइल करके आगे बढ़ जाओ। आपके घर पे कोई रिलेटिव आके कुछ बोल देता है कि भाई मेरे बच्चे के तो इससे ज़्यादा नंबर आए या मेरे उसके इससे ज़्यादा नंबर है, तो हाँ जी बोल के स्माइल करके आगे बढ़ो। तुम्हारा कोई फ्रेंड तुम्हें ऐसा बोल रहा है, हाँ हाँ भाई करके आगे बढ़ जाओ, उससे बात करना कम कर दो, क्योंकि आपको अपना सफ़र जो है आगे का वो खुद ही तय करना है, कोई दोस्त नहीं आने वाला है, इट्स लोनली एट द टॉप, सुना है ना, तो आपको ये सफ़र खुद ही तय करना है। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या लाइकेबल बनना है, कि भाई मेरी कोई भी ना उड़ा है, मैं एकदम आराम से मस्त जिंदगी जीऊँ, या आपको अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करनी है। क्योंकि अगर सक्सेस की तरफ जाओगे, पीपल विल डेफिनेटली अटैक यू, दे विल ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन, और आपके जो दोस्त जिनको आप समझते थे वही लोग आपको बिट्रे करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त हुआ करता था जब मैं फर्स्ट ईयर में था कॉलेज में, ठीक है, और मैं उससे बहुत बात करता था, और मुझे बहुत दुख हुआ कि भाई मेरी जब ये लोग मेरे चैनल और इनकी उड़ा रहे थे ना IIT के अंदर लोग, तब वो भी सबसे ज़्यादा एक्टिव था उन लोगों में। मुझे बहुत दुख हुआ यार कि यार इस बंदे को तो मैं इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता था, वही मेरे खिलाफ आज जा रहा है। और इनफैक्ट अब यहाँ पे क्या करवा भी नाम करके चीज़ होती है, तो अभी थोड़े दिन पहले के IIT में प्लेसमेंट्स वगैरह हुई, और प्लेसमेंट इस बार कम हुई काफ़ी, राइट। वही बच्चा मुझे मैसेज किया कि कल्पित यार तेरे पास कोई इंटर्नशिप वगैरह है क्या, जॉब वगैरह, क्योंकि मेरा लगा नहीं प्लेसमेंट। तो मैंने उसको रिप्लाई नहीं दिया कि मैंने ऐसा सोचा कि भैया कैसे लोग हैं,
पहले तो मेरे साथ क्लोजनेस बढ़ा के मेरे खुद से बातें की उसने, फिर मेरे ही खिलाफ गया और अब उसका काम हो नहीं रहा है तो वापस से पीछे आ रहा है, मतलब क्या है, राइट? तो यहाँ पे अनरिएक्टिवनेस के दो तीन फायदे ये रहते हैं कि यार एक तो उनको फ्यूल नहीं मिलता है, ठीक है, वो आपके खिलाफ अगर कुछ बोलना भी चाह रहे हैं आपके दोस्त वगैरह तो वो समझ जाते हैं यार कि ये बंदा स्ट्रांग है, ये ऐसे हिलने नहीं वाला है, तो हम चुप हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि यार आप ये बिहेवियर किसी की तरह शो ना करो, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी पर्सन के खिलाफ ज़्यादा बोलते हो तो आप अपने ब्रिजेस बर्न कर रहे हो, क्या पता वो पर्सन आगे कहीं काम आ जाए। इनफैक्ट अभी IIT के अंदर कई सारे मेरे जो दोस्त हैं या इवन मेरे दूसरे कॉलेज के भी दोस्त हैं, उनमें से कई लोगों को मैंने अभी अपने यहाँ पे इंटर्नशिप्स वगैरह जॉब्स वगैरह दी हैं, ठीक है, ताकि उनका करियर वगैरह अच्छा चले, लेकिन उनको दिए जो मेरे से अच्छा सा व्यवहार रखते थे, जो मेरी हेल्प करते थे, ठीक है, ऐसे को नहीं कि यार भाई खिलाफ जाके कुछ बोल रहे हैं, राइट। तो आप अगर किसी पर्सन से अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं वो आपको आगे काम भी आ सकते हैं। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैंने ही लोगों की हेल्प की है, मेरे भी कई लोगों ने हेल्प की है, मेरे एक फ्रेंड है जिनको मैंने कई बुरे टाइम में हेल्प की थी, ठीक है, मेरे एक और फ्रेंड है जो थोड़े सीनियर है, उनके साथ कई बुरी चीज़ें हुई थी तो मैंने उनकी हेल्प की थी उनकी लाइफ में। तो अभी कुछ भी मेरे को बिजनेस रिलेटेड कोई टिप्स वगैरह चाहिए होती है, एडवाइस चाहिए होती है, उन्हीं से पूछता हूँ, मुझे काफ़ी हेल्प भी करते हैं, राइट। सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, मैं समराइज करूंगा एंड में, लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ गाइस कि J2021 के कोर्सेज पे अप टू 50% ऑफ मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इन कोर्सेज को यूज़ करके आप अपनी J2021 में डेफिनेटली बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है, इसके अंदर की बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगी, स्पीड भी बढ़ाई जाएगी और टेस्ट प्रैक्टिस के लिए टेस्ट भी दिए गए विद कंप्लीट सॉल्यूशन। सो डू चेक दम आउट, काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस हो गई है, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इवन कोई बंदा का फ्यूचर में देख रहा हो तो भी हमारे कई सारे तरह के कोर्सेज है, ड्रॉपर्स के लिए भी है, 11th के बच्चे के लिए भी है, 12th के बच्चे के लिए भी है, क्रैश कोर्स भी है, नीट ऑलिम्पियड सबके कोर्सेज है, डिस्क्रिप्शन में आपको सबका लिंक मिल जाएगा। तो समराइज करते गाइस ने क्या बोला, मैंने आपको ये बोला गाइस कि कई बार जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हो आपको लोग पीछे लाने की कोशिश करेंगे, वो आपके खिलाफ कुछ ऐसा बोलेंगे, आपके रिलेटिव्स ही और आपके फ्रेंड्स, आपके ट्रस्टेड फ्रेंड्स आपको कुछ ऐसा बोलेंगे कि यार आप उसे डीमोटिवेट हो जाओ, वो आपसे जलने लग जाएंगे, वो आपको नीचे लाने की कोशिश करेंगे। व्हाट यू शुड बी डूइंग राइट नाउ इज, पहली बात रिएक्ट नहीं करना है, आपको स्माइल करके आपको हाँ बोल के आगे बढ़ना है, फाइट करने की कोशिश मत करना, बिकॉज इन लोग को चाहिए ही भाई कि भाई तुम इनको भाव दे दो, राइट। सेकेंड चीज़ ये रियलाइज करो कि यार अगर आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है वो तब कर रहा है जब आप आगे बढ़ रहे हो, कोई नॉर्मल पर्सन, कोई आम आदमी उसके खिलाफ कोई थोड़ी बोलता है, कोई आगे बढ़ रहा है उसके खिलाफ लोग बोलते हैं ना, तो ये गुड साइन है अगर आपकी क्रिटिसिज्म हो रही है, इट मीन्स दैट यू आर गोइंग अहेड, ठीक है। सो दैट वॉज द वीडियो, आई होप यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके ये बताना कि आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है क्या, हैव यू एवर फेस दिस इंसिडेंट, इफ यस हाउ डिड यू डील विद इट, लेट मी नो ऑल ऑफ दैट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय।